पुछदा रावी तो चना पुछदा है रावी तो चना पुछदा कि हादे खत रुजदा है कि हादे खत रुजदा है चला इंडिया तो आया जिंदड़ी नू कम ते लाया ओ दिल नू खिचदी वतन माहिदा दूरे दे जाना पहले दूरे दे गल सुन छलिया जोरा वे का दया जोरा आपके सामने आपका आइकॉनिक गाना गाना बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक पहले बात तो उस पे तालियां हो जाए। और नितिन ने गाया छल्ला मचा दिया हल्ला, क्या कहेंगे मान साहब? वॉइस और नाल नृत्य, नटराज और सरस्वती, क्या बात। एक तो संगीत की हरकतें हो जा, एक है बॉडी की हरकतें। क्या बात है नितिन, क्या बात। ये भी तभी आती है जब अंदर हो। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच मान साहब। नितिन, आपने जो गाना गाया एक आइकॉनिक, पंजाब का एक आइकॉनिक गाना है। हम सब सुन सुनकर बड़े हुए हैं इस गाने को। एक तो इतनी खुशी की बात है हमारे यहाँ पंजाब के लेजेंड हिमसेल्फ इज सिटिंग राइट हियर। करोड़ों परफॉर्मर्स को मिला के अगर एक परफॉर्मर बनता है तो वो है गुरदास मान सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतने कमाल लेजेंडरी सिंगर का गाना आज आपने गाया नितिन, और क्या उड़ते हुए गाया है आपने, कमाल हो गया। मौसम बदल दिया। प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोगों से, मेरी विनती है कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ परफॉर्मर हूँ। मुझे दो चार बातें आ जाती हैं, मैं थोड़ा नाच लेता हूँ और थोड़ा उतना ही गा लेता हूँ जितना मुझे दिया है। मैं सीखा नहीं हूँ, मुझे सीखने का मौका ही नहीं मिला, मुझे कुछ ऐसा कोई रास्ता ही नहीं मिला कि मैं उस उस्ताद के पास पहुंच जाऊं जो मुझे कुछ सिखाना वाला है। मुझे तलब बहुत थी अंदर। तो सर आप खुद ही उस्ताद बन गए, हम सब के लिए तो आप ही उस्ताद हैं। बिल्कुल। ये तो बस कहते आप क्या है, मैं कह उसकी कृपा है बस, और कुछ नहीं हूं मैं, कुछ नहीं हूं। मेरे से अच्छा अच्छा गाने वाले, मैं इनके सामने क्या गा सकूंगा? इतने सुरीले आवाज लगाई है, मैं तो बहुत बहुत नीचे हूँ। मान साहब, तो फिर एक बार रिक्वेस्ट, प्लीज दो लाइनें हो जाएं, प्लीज जोरदार तालियां मान साहब के लिए। कम ऑन, चलो सर शुरू भी गल सुन चले भोला बेका दा पाना नीलांजना, I think इतना प्योर और इतना क्लीन गाया आपने, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. It was Beautiful, beautiful it was. मान साहब क्या कहते हैं? मैं तेरे आगे यही बनती करता हूँ मेरे ऊपर नजर करना जो आपने मीठे बोल बोले हैं मेरे अंदर भी थोड़ी सी मिठास आ जाए। क्या बात है साहब, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच। नीलांजना, मैं उसे गायक समझता हूँ जिसे अपनी कला पर भरोसा हो और इतनी छोटी सी उम्र में तुमने ये गाना, इतना मुश्किल गाना निभाया है। एक एक हरकत तुमने ली है, मैं सोच रहा था शायद ये हरकत छोड़ देगी, शायद ये हरकत नहीं ले पाएगी या वो कोई जगह छोड़ देगी, निकल जाएगी बच के। नहीं, तुमने अपनी जगहें डालने की कोशिश की है। मैं दावे से कह सकता हूँ नीलांजना, तुम बहुत आगे चलकर नाम कमाओगी और बहुत अच्छी गायिका बनोगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नीलांजना, आज आपको देखकर मुझे बिल्कुल दुर्गा माँ की छवि लग रही है। थैंक यू। है ना, जैसे पूजते हैं भगवान को, आपने वैसा गाया है। थैंक यू। बहुत बहुत आप 15 साल की है, मतलब व्हाट लेवल ऑफ सिंगिंग इज दिस। रविंद्र संगीत से लेके लता जी का गाया हुआ गाना, एस.डी. बर्मन साहब का संगीत, मतलब इसको कैसे आप निभा सकती हैं इस उम्र में? I don't even understand. लेकिन thank you sir, thank you so much. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.